वहाँ पे कुछ हो रहा है। मैं तुझको अपनी बाहों में छुपा के रखूंगा। इस रोड पर स्पीड लिमिट है कार के लिए 120, ट्रक के लिए 100। जस्ट फॉर द रिकॉर्ड, फेस कितना अच्छा लग रहा है सनशाइन में। Hi people, I'm very excited. I am on my trip. Yes, trip start कर रही हूँ. So I'm so excited. I just want कि आप लोग भी मेरे साथ बने रहें और excited रहें इस trip के लिए. And also guys, मैंने travel के लिए ये look carry किया है. बहुत ही casual सा है. कुछ ज़्यादा मैंने एक हल्का सा पोनी सी बना ली है. एंड ये स्वेटर बिकॉज पता नहीं क्यों आज ही हवा चलनी थी, अदरवाइज ये और भी ज़्यादा लाइट होता मेरा ड्रेस अप. ब्लैक इनर, माई लोअर एंड ट्रैवल में मुझे शूज़ या बन के रहना पसंद नहीं है, तो मैंने अपनी फ्लिप फ्लॉप कैरी की है. एंड आई एम ऑल सेट टू गो. चलते हैं मेरे साथ एक्सप्लोर करने के लिए राजस्थान. What? With bike? Yeah. You will go gumi gumi on bike? Yes. Okay. Get down. Get calm. Get your hair combed. Yes. Go fast. Puppy, I'm coming. Wait for 2 minutes. Come fast, come fast. Go. Come faster, Puppy is waiting for you. Avi is so happy. See, puppy, I am coming. Wait for me. Wait for me, puppy. I am coming. Wait for me. Don't go. I am almost ready. Just makeup left. Oh, ho, 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 ho. My gugu. Oh, mere bo. Aye. Chalo. We are ready, puppy. Let's go. We are all set to come. Yeah. Hello, people. We are all set for our trip to Rajasthan. Yay! Are we yippee? Are you excited? Yes. Yay! और हम लोग चाहते हैं आप लोग भी हमारे साथ इस ट्रिप पर हमारे साथ एंजॉय करें जैसे हम लोग इस चीज को एंजॉय करेंगे. यिप्पी. सो बेसिकली हम लोग यहाँ से जाएंगे ईस्टर्न पेरिफेरल से कल ही इनॉग्रेट जयपुर वाला एक्सप्रेस वे. जयपुर एक्सप्रेस वे बेसिकली मुंबई दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे हुआ है कल इनॉग्रेट, जिसका सिर्फ दिल्ली टू जयपुर वाला पार्ट इनॉग्रेट हुआ है. जो सोना से दौसा तक जाता है. तो हम लोग पहले ईस्टर्न पेरिफेरल जाएंगे, ईस्टर्न पेरिफेरल से हम लोग कनेक्ट करेंगे जयपुर वाले हाईवे में सोना के आसपास, पलवल सोना के आसपास, फिर सोना से हम लोग जाएंगे दौसा और दौसा से जयपुर. ये भी तो अप्रोक्स कितना टाइम लगेगा हम लोगों को यहाँ से? मैप तो 5 घंटे दिखा रहा है. ये कह रहे हैं दिल्ली से जयपुर अब 2 घंटे में, दिल्ली से जयपुर अब 2 घंटे में है. तो सही है ना, कल ही इनॉग्रेट हुआ है और आज हम लोग आपको बताएंगे कि एग्जैक्ट आपको कितना टाइम लगेगा दिल्ली से जयपुर का. राइट. तो हमारा फर्स्ट रिव्यू होगा इस वाले हाईवे पे. यश This is wire. Actually, में कितना टाइम लगता है दिल्ली से जयपुर के लिए हमारे आगे के व्लॉग्स में आपको देखने को मिलेगा. Stay tuned. स्टार्ट कर रखी है आपने. चले. Let's go, papa. Let's go, बेटा. Yes. You are ready, all set to go? Yes. Okay, let's go, बेटा. जोर से बोलो. सारे बोलो. जय माता दी. मिलके बोलो. जय माता दी. मैंने सुनिया. जय माता दी. जोर से बोलो. जय माता दी. सारे बोलो. अरे जोर से बोलो. जय माता दी. सारे बोलो. जय माता दी. मैंने सुनिया.
तुम भी बोलो जय माता दी जय माता दी जय माता दी जय माता दी। चलो लेट्स गो स्टार्ट आवर जर्नी। सो सेफ्टी फर्स्ट, सीट बेल्ट ले लो भाई। और ये रहा आरू का पापी, हिज नेम इज बेबी पूडल। आप इसी की वजह से आए हो हमारे साथ ट्रिप पे, राइट आवी? वरना तैयार नहीं थे हमारे साथ आने के लिए। सो हम तीनों के साथ हमारा ये पप्पी भी चलेगा हमारे ट्रिप पे। अभी तो जस्ट हमारी स्टार्टिंग ही थी और ये देखो जैम। चलो फाइनली जैम खुल गया, थैंक गॉड। सो हम लोग अभी हाईवे पे चढ़ने वाले हैं ईस्टर्न पेरिफेरल पे और मैंने ट्रिप मीटर को जीरो कर दिया है। पलवल मौजपुर दादरी। व्यू अच्छा है ना? ओह सन कमिंग अब फ्रीली होके एक्सप्रेस वे पे चढ़ जाओ, हाईवे पे चढ़ जाओ और आराम से गाड़ी चलाते रहो। पहले ट्रैफिक में इतना बुरा लगता था सबसे, मतलब ट्रिप की ऐसी तैसी हो जाती थी कि ट्रैफिक में दिमाग खराब होता है, क्लच ब्रेक, फिर उसके बाद टाइम उतना वेस्ट। अब एक बार एक्सप्रेस वे पे चल जाओ और उसके बाद भाई वी आर नॉट सपोर्टर ऑफ एनी बडी, ये डिस्क्लेमर है। बट देखो जो अच्छी चीज होती है उसको तो बोलना ही चाहिए ना। यस करेक्ट ऑब्वियसली। और रोड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा सुन रहा है ना? अब इतना मतलब ट्रैवल बस नाम मात्र ही रहता है, बातें करते करते एंजॉय करते हुए हम एक दूसरे से बात भी कर रहे हैं, नहीं तो बिल्कुल फोकस ऐसे रोड पे, अरे भाई रोको चलाओ। आप कौन से जमाने की बात कर रहे हो यार? मैं अभी 2-3 साल पहले तक की भी बात कर रहा हूँ, नहीं रहा मतलब जब ये दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे नहीं खुला था, ईस्टर्न पेरिफेरल वेस्टर्न पेरिफेरल ये सब नहीं खुले थे तो यही करना पड़ता था। पता है कुछ लोग अभी भी इस चीज को क्रिटिसाइज करते हैं कि भाई ठीक है एक्सप्रेस वे तो बना दिए आपने, टोल टैक्स ले रहे हो आप हैवी अभी, तो भाई ठीक है टोल टैक्स ले रहे हो उसके बदले आपका तेल भी बच रहा है ना। पहले आपका तेल भी लगता था छोटा और वाला, छोटे छोटे जो टोल टैक्स होते हैं इंटर स्टेट वाले वो भी लगते थे, इंटर सिटी इंटर स्टेट वाले, प्लस आपका टाइम वेस्ट होता था। अभी थोड़ा सा किलोमीटर बढ़ गया, थोड़ा सा एक्सप्रेस वे पे जा रहे हो, उतनी फ्यूल इकोनॉमी आपको एक्स्ट्रा मिल गई, तो आकर के लमसम बजट नहीं बढ़ा आपका, बजट वही रहता है कि आपको जितना तेल आप नॉर्मली सिटी के तरफ थ्रू जाओगे लगेगा उतना ही तेल आपका एक्सप्रेस वे से लगेगा क्योंकि यहाँ एवरेज अच्छी निकल जाएगी। बट आपकी मेंटल पीस मिल जाती है, आप रिलैक्स होने के लिए कहीं घूमने जा रहे हो रिलैक्सिंग जा सकते हो, है ना? टी शर्ट वगैरह पहना दो यार धूप क्योंकि है ही, है ना, कुछ हल्का पहना दो और गाड़ी में तो वैसे भी गर्मी हो ही जाती है। नो यू डोंट वांट टू चेंज, विंडो हल्की हल्की रखो, है ना। सॉरी मैं शॉट लेना भूल गई, लेकिन हमने अभी एक शॉर्ट ब्रेक लिया था और हमने क्या खाया? पराठे, मिक्स पराठा। इतना भूख लग रही थी कि हमने शॉट ही नहीं लिया, फोन भी गाड़ी में ही छूट गए सब कुछ। बट अभी तक हमने इतने रोड ट्रिप्स किए हैं और ये वाला जो पराठा था हमारा लिटरली बेस्ट था, इतनी अच्छी फीलिंग थी। और अब हम लोगों ने फिर से अपना ट्रिप स्टार्ट कर दिया है और लोकेशन भी तो चेंज हो गई तुम्हारी। कहाँ आ गए तुम्हारी फ्रंट सीट? हाँ थैंक गॉड, मैं मिस कर रही थी अपनी ये वाली पोजीशन।
बट इन मैडम की वजह से मेरे को पीछे एडजस्ट करना पड़ रहा था, मैं फिर से वर्ड्स नहीं बोलूंगी अदरवाइज इसको फिर से वही याद आ जाएगा और वो शी विल से वेलकम बैक, शी इज बिजी विद हर टॉयज एंड आई एम रिलैक्स्ड नाउ, आई कैन एंजॉय नाउ, वी बोथ कैन स्पेंड टाइम टुगेदर. वो सीट पीछे नहीं हो सकती, हमने ये अपना सेटअप किया हुआ है ना, तो पहले ऐसे होता था कि मैं अपनी सीट बिल्कुल पीछे कर लेती थी, अपने पैर इधर बोनट पे. स्टिल ये भी बेटर है क्योंकि मेरा बेबी रिलैक्स कर रहा है. हम लोगों ने तो काफी ट्रिप्स करे हैं साथ में, तो हम लोगों को तो आगे बैठ के मजा आता है ट्रैवल करने में, लेकिन इस बार हमारे साथ आरवी भी थी तो हमें आरवी का कंफर्ट चाहिए था. पहले आरवी छोटी थी, शायद हमने पहले तब रोड ट्रिप किया था तो वो उस टाइम तो छोटी सी थी, हल्की सी थी, तो मेरे पूरा ट्रिप मेरी गोदी में निकल जाता था इसका. लेकिन इस बार आरवी हमारी बिग गर्ल हो गई है, इस वजह से हमने आरवी के लिए ये सेटअप किया ताकि वो फुल हमारे ट्रिप पे हमें बिना परेशान किए रेस्ट रिलैक्स रहे और एंजॉय करे. आई डू लाइक दिस, डू लाइक दिस, ये भी पापा लाइक दिस, नॉट विद वन फिंगर विद टू फिंगर, वन फिंगर हमारे मखाने, हमारे स्नैक्स, सब कुछ अभी रीअरेंज करना है मुझे, तो अभी माइंड मत करना कि इस तरीके से सामान है. एक्चुअली मेरी रखावट है, ये मेरा अरेंजमेंट है, मैंने रखा है. मीरा जब रखेगी तो बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज तरीके से रखेगी. यस, ने निन्ना अपनी कंप्लीट की है और ये थोड़ा सा बनाना मैंने उसको खिलाया है ताकि उसकी टमी थोड़ा सा फुल हो जाए जब तक हम होटल पहुंचे उससे पहले. मैं अभी इसको कुछ लिक्विड देना नहीं चाह रही हूँ, MILK, अदरवाइज शी विल प्यूक, दैट्स व्हाई. शोनी, जस्ट फॉर द रिकॉर्ड, मम्मा इज कैप्चरिंग आरवी डू प्यूक ऑल द टाइम इन ट्रैवलिंग. ओ फर्स्ट से हेलो, हेलो पीपल, वेलकम टू जयपुर टू रोड ट्रिप. एक फैमिली को अलग ही एक्सपीरियंस देते हैं, अलग ही जोड़ देते हैं फैमिली को. अब देखो हम लोग कितना मिलजुल के काम कर रहे हैं, पहले मैं ड्राइव कर रहा था, नीरा यहाँ पे आराम कर रही थी, सोली हो तो सोई, एक घंटा आराम से तसल्ली में या घर पे सोते हैं. नीरा मैंने वीडियो में लिया है तुम्हें सोते हुए. दोनों सोए पड़े हैं, खराटे मार रहे हैं, घोड़े बेचे हुए हैं, गाड़ी हिल रही है, कोई फर्क नहीं, सो रहे हैं दोनों, पूरी नींद पूरी कर रहे हैं. और अब वो चला रही है तो भाई मैं इंजॉय कर रहा हूँ, रिलैक्स कर रहा हूँ. थकते तो देखो ऑब्वियसली जिन लोगों को ड्राइव पसंद है थकता कोई नहीं है, लेकिन एक हाँ चलाने वाला मिल जाए वो भी ट्रस्टवर्दी, जिससे आप ट्रस्ट कर सकते हो कि हाँ ये चला रही है तो वी आर सेफ.
वॉश वॉश हो रहा है मेरा, आई थिंक तुम्हें इसे अरेंज करना पड़ेगा बिफोर नेक्स्ट वीडियो, है ना। मुझे पीछे वाली भी सेटिंग करनी है। वही तो, पीछे वाला वॉश वॉश हो रहा है, इसको सब ना सेट करना अच्छे से, एक बार जयपुर पहुंच जाए फिर सेट करना, आगे का फिर ट्रिप के लिए सेट रहेगा सब कुछ। किस टाइम की नींद ले रही है नीरा? पता नहीं यार, रात को पूरी रात इसने हमें नहीं सोने दिया और नींद ये खींच रही है पूरी। भगवान जाने कौन सी नींद पूरी कर रही है और किस टाइम की नींद पूरी कर रही है। एक्चुअल में तो उसका ये टाइम है ही नहीं सोने का, हमने उसका सोने वाला दिन वाला सिस्टम तो पूरा हटा रखा है। एक तो मुझे लग रहा है ना ये कार में ड्राइव उसका स्विंग वाला काम कर रही है ना, इसीलिए इसको और अच्छी नींद आ रही है। यही तो मजा है इस बार की ड्राइव का उसका। पता है जैसे ये स्पीड वाला बोर्ड ये आ रहा है ना कैमरे वाला, तुरंत आदत जैसी है एकदम से स्पीड कम हो जा रही है और कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड ना ये चल रहा है यार ये कहीं हमारे साथ वो तो नहीं कर रहे, ट्रिक तो नहीं कर रहे कि हम बताएंगे नहीं लोगों को अगर ओवर स्पीडिंग उन्होंने की तो हम सीधा घर पे मैसेज, घर पे पहुंचेगा वो क्या बोलते हैं उसको पेनल्टी चलान। स्पीड क्या चल रही है तुम्हारी? स्पीड चल रही है मेरी देखो बहुत कम है। आप मुझे कुछ बोल नहीं सकते हो ठीक है, ओवर द लिमिट नहीं है। ओ वहाँ पे कुछ हो रहा है, शादी हो रही है, पिंक कलर का टेंट लगा हुआ है। ऐसे मैं बोल रही हूँ जैसे मैं कहीं पता नहीं कोई और सी दुनिया में आ गई और यहाँ पे शादियां शुदियां नहीं होती हैं, सिर्फ हमारे यहीं पे शादियां होती हैं। इस रोड पर स्पीड लिमिट है कार्स के लिए 120, ट्रक्स के लिए 100, जस्ट फॉर द रिकॉर्ड। अभी ये बोर्ड आ रहा है 500 मीटर पे है रेस्ट रूम सर्विस।